गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर जो है हम एलजेब्रा के जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज जो उसका टॉपिक है एपी, इसको कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह एपी के लिए बताया था मैंने एपी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ, ए इज द फर्स्ट टर्म, और इसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने। ठीक है, ठीक इसी तरह फिर आगे इसको क्या शुरू करते हैं, जैसे थ्री टर्म किस तरह मानते हैं, फोर टर्म किस तरह मानते हैं। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द एपी इज द बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म द डिफरेंस इज सेम फॉर लेट या इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन ए पी, प्रूव दैट ए पी इन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन ए पी, दैट द ये जो है नीचे जो है ये भी एपी में होगी। जैसे क्या है, ये भी एपी में होंगे। क्या है, प्रूव दैट दैट देन विल बी इफ ए एंड बी आर इन एपी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन एपी। अगर ये गिवन सीरीज है एपी, तो ये भी एपी होंगे। दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म विल बी इक्वल, दैट इज टी इफ इज देयर इज टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, यानी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री। इसमें से ये माइनस गया, इसमें से ये आ गया, ये क्या आ गया,
ए जाएगा, रूट बी माइनस रूट सी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई। रूट बी माइनस ए, इनके दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, क्या आ गई, बी माइनस सी है, ठीक ये नहीं है, सब करती है। देखो भाई, ए बी सी आर इन एपी, ये प्रूव करना है कि ये भी एपी होंगे। ये एपी होंगे तो क्या है, टी वन टी टू टी थ्री, यानी टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, ये सेम हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये आ गया इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो बी माइनस ए बी प्लस एस बी प्लस सी माइनस सी, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी को धर लिया, क्या आ गया, बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, हैंस ए बी सी इन ए बी सी आर इन ए पी, तो ए बी सी क्या में होंगे, ए पी में होंगे, हैंस ए बी सी आर इन ए पी। अब अगला क्वेश्चन है, इफ इन दोनों का सम, जिस दोनों के डिफरेंस अलग प्लस के सम के इक्वल होता है, जैसे अब क्या है,
लेट द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर द डिजिट ऑफ ए द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग ए डिजिट हैविंग थ्री डिजिट हैविंग थ्री डिजिट आर इन द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग थ्री डिजिट आर इन एपी and the attending shifting and their sum is their sum is 15 the number obtained by working The number is obtained by reversing digit 594 is reverting 594 less than the original number less than the original number Less than the original number. Find the number. Find the number. The digit of a positive integer having three digit R in AP and three digit R in AP. Their sum is 15. The number is obtaining reversing is 594. Less than from the original number. Less than from the original number. So, ye kya hai? That answer kya hai? That 3-digit number of AP three digits के number क्या होते हैं A minus D A A plus D three digit number of AP A minus D A A plus D अच्छा अब अगर क्या है अगर मान लिया ये है तीन नंबर का डिजिट होता है 1 10 100 या 542 ये तो होता है इसको क्या देखता हूँ 500 + 4 × 10 + 2 × 1 या 2 लिख दिया ये देखता हूँ 3 डिजिट के नंबर को तो नंबर क्या आ जाएगा ये देन ये होता है ए प्लस डी ए माइनस डी ए ज्यादा ए बल्कि ए बीच होता है क्या होता है ये कि 1 प्लस पर तो ये है 10 पर ये 100 पे देन देन थ्री डिजिट नंबर क्या आएगा ए प्लस
बी मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस डी, क्या है 100 ए प्लस 100 डी प्लस 10 ए प्लस ए माइनस डी, तो कितना आ गया 110, 100 और 10, 110 प्लस ए कितना आ गया 111 ए माइनस 900 ए माइनस 99 डी, 111 ए माइनस के 90 डी। इट इज गिविन दैट दैट थ्री डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग थ्री डिजिट आई इन एपी हैव देयर सम इज 15। ये जो डिजिट है डिजिट तो यही है इसमें ए प्लस डी ए ए माइनस डी, डिजिट तो यही है ना जी, तो 5, 3, 4 थे, इनका सम कितना है 5, 4, 9, 9 और 2, 11। Hence, according to question, their sum is 15. Sum is according to question, ATQ, according to question, क्या question है कि इनका सम यानी a माइनस डी ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 15। ये डी से डी जाएगा ए से ए, 3 ए इक्वल टू 15, इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 5। ए की वैल्यू 5 आ गई एंड द नंबर इज ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग इज 500। अगर नंबर को हम रिवर्स करते हैं तो कितने नंबर आता है 594। अगर नंबर को हम रिवर्स कर दें तो नंबर क्या आता है 594। ओरिजिनल नंबर से 594 द नंबर लेस देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर से 594 आया, समझ आया। ये ओरिजिनल नंबर ये था, तो रिवर्सिंग नंबर कितना आ जाएगा इसका, इसका रिवर्सिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए 100 माइनस ए माइनस डी प्लस 10 मल्टीप्लाई ए प्लस ए प्लस डी, ये 542 है, इसे रिवर्स क्या आ जाएगा 245। अब क्या आ जाएगा ये 100 ए प्लस 10 100 ए 110 110 111 ए माइनस ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 100 डी माइनस 99 डी माइनस 99 100 ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है 594 है ये, तो इसमें से ये माइनस कर दूं क्या आ जाएगा, ये इससे तो जाएगा कितना आएगा 594, तो इसमें क्या आएगा 100 ए प्लस 99 डी माइनस
इससे जाएगा ठीक है अगर ठीक है। a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, सो द नंबर इज a इक्वल टू d, सो नंबर इज क्या आ गया? नंबर क्या आ गए? a प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस 5 8, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5, a माइनस डी कितना आ गया? 5 माइनस 3 इक्वल टू टी, हैंस द नंबर इज कितना आ गया? a ये थर्ड प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, क्या फर्स्ट पे? नंबर ही लेके आ गया 852, यानी इसका रिवर्स कर देंगे 852 का। देखो 8 और 5 30 into 16 समय 852 का रिवर्स किया गया 258, इसमें से माइनस करके फिर आ गया कितना जगह, ये 594 ये इसका आ जाता है। आगे समझो भाई, आगे बढ़े। If there are two numbers A and B are consecutive terms, यानी A and A B are 3 consecutive terms in A B, ये तीन terms हैं A A and B are 3 terms consecutive terms, then क्या आएगा यहां से? a माइनस a इक्वल टू b माइनस a, इट मीन्स a प्लस a इक्वल टू a प्लस b, a इज 2a इक्वल टू a प्लस b, a इक्वल टू क्या आएगा ये a प्लस b अपॉन 2। अगर कहीं भी यूज होगा कि वी हैव थ्री नंबर आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए पी इज AP, their term is if their sum between, तो जो ये corner pen का sum का half इस third के equivalent के equal होगा, तो A equal to A plus B, इसका भी समान जानते हैं, that is called to the arithmetic mean of A and B, arithmetic mean of AB is A equal to A plus B by 2। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म बिटवीन ए एंड बी, हेयर आर इंसर्ट करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं टर्म किसके, ए और बी के बीच एन टर्म मान लिया इंसर्ट करते हैं, जैसे हेयर आर लेट ए एंड बी आर गिवन नंबर, गिवन नंबर है एंड 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 नंबर आर इंसर्ट बिटवीन दस, इनके बीच एन नंबर इंसर्ट कर दो, इनके बीच एन नंबर इंसर्ट कर दो, जैसे
अच्छा जैसे मान लीजिए इंसर्ट कर दीजिए ए है जो ए है, ये एन नंबर है, A1, A2, A3, अब टू AN एंड लास्ट B तक, देयर आर एन टर्म, इनके बीच एन टर्म इंसर्ट कर दिए किसके, ए एंड बी के बीच, फ्रॉम ए टू बी देयर आर टोटल नंबर, नाउ देयर आर टोटल नंबर इज एन प्लस टू, बिकॉज A1, A2 आर एन टर्म्स, फर्स्ट n+1 एंड n+2, इट मीन्स लास्ट टर्म इज इक्वल टू बी, वी हैव द लास्ट टर्म एंड द फॉर्म ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट लास्ट टर्म क्या है, बी, ये nth टर्म, an इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज द कॉन्स्टेंट डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, देन वी कैन से बी माइनस ई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, इट मीन्स वेरी द फर्स्ट टर्म इज ए, दी इज द वे वी कैन कैलकुलेट इट टू ए वन, ए वन वी, ए वन इज नथिंग, ए वन इज द सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, ए वन इज द सेकेंड टर्म, ए वन इज द फर्स्ट टर्म इज ए इज द इन द सीरीज, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विद डी, देन द नेक्स्ट टर्म विल बी ए डी प्लस डी, इन द नेक्स्ट विल बी ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, इट इज द सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी, इट इज कॉल्ड टू द ए वन, ए वन, ए वन इज मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू ए प्लस डी की वैल्यू क्या आएगा, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, ये क्या आ गया, ए एन माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, ये आ जाए, इस तरह की वैल्यू आ जाती है, एन की वैल्यू एन नहीं है यहां, देखिए एन की वैल्यू क्या है, गलती होगी, एन की वैल्यू क्या है यहां, एन प्लस टू, एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए एन प्लस ए, ए से ए जाएगा, क्या गया, ए एन प्लस बी, ए एन प्लस बी अपॉन एन एन प्लस वन, क्या गया, ए एन प्लस बी अपॉन ये क्या, ए प्लस यही कर लो, क्या आ जाएगा, या तो ये मान लो या कर लो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन वन, सिमिलरली ए टू इक्वल टू ए टू, ए ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, यानी ए प्लस टू डी, डी की वैल्यू टू, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एंड ए एन, ए एन इक्वल टू ये इसकी वैल्यू हम जो है इनको इंसर्ट कर देते हैं, रिक्वायर्ड जो अरिथमेटिक मीन है, और देखिए इसके ऊपर एक सवाल है, क्या क्वेश्चन है, बिटवीन बिटवीन 1 एंड 31
एम बिटवीन 1 एंड 31 एम अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31 एम अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड सच दैट द रेशियो ऑफ 7 सच दैट the ratio of 7 and m minus 1 mean and m minus 1 means is 5/9 is 5 raised to 9 find the value of m. इसमें m की वैल्यू निकालनी क्या है बिटवीन द 1 एंड 31 बिटवीन द एंड 31 यानी a और 31 के a और 31 के बीच m जो है हम अर्थमेटिक मीन जो है मैंने इंसर्टेड कर दी क्योंकि 1 a1 a2 a3 कितने m टर्म्स के और ये गया n 31 कितने टर्म्स आ गए यहां से यहां देखिए ये आ गए 33 कितने टर्म्स आ गए देयर आर टोटल नंबर ऑफ 33 टर्म्स कितने टोटल टर्म्स आ गए 33 टर्म्स आ गए इसमें कितने टर्म्स है टोटल 33 टर्म्स आ गए इन 33 टर्म्स का फर्स्ट टर्म कितना है a देयर आर टोटल नंबर कितने आ गए 33 31 तो ये है नहीं कितने हैं m प्लस 2 सॉरी कितने हैं ये कितने टर्म्स हैं m एक ये एक कितने आ गए एम प्लस टू कितने आ गए एम प्लस टू अच्छा थे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या अभी फॉर्मूले बताया था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन बी बी की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म 31 माइनस वन अपॉन एन प्लस वन ये कितने हैं ये कितने इंसल्ट कर रहा है एन कह रहे थे अब ये कितने कर रहा है एम प्लस वन यानी 30 अपॉन 30 m+1 ये आ गया दी हेयर और किसका रेशियो दे रखा है इसने द रेशियो ऑफ द सेवन एंड एम माइनस टर्म सेवन टर्म कितने हैं ए सेवन क्या आएगा ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 70 ए की वैल्यू कितनी थी ए की वैल्यू तो ये थी 1 प्लस 30 अपॉन m प्लस 1 मल्टीप्लाई सेवन इक्वल टू क्या जाएगा ये m m प्लस 200 11 अपॉन एम प्लस वन ये आ गए एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट ए एम माइनस वन ए एम माइनस वन इज इक्वल टू ए एम माइनस वन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी ए की वैल्यू कितनी है ए है वन है प्लस एम माइनस वन अपॉन डी डी की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन m+1 क्या आएगा m+1 + 30m - 30 अपॉन m+1 30m और m कितने 31 m - 29 अपॉन m+1 क्या गया 31 m - 29 अपॉन m अपॉन
एम प्लस वन इफ गिविन दैट दैट द ए सेवन एंड ए एम वन वर इज इक्वल टू 5 9 अपॉन में क्या आ गया ए सेवन अपॉन ए एम माइनस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 ए सेवन की वैल्यू कितनी रखो एम प्लस दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसकी एम की वैल्यू निकाली दो एम की वैल्यू क्या आ गई निकालो देखो और क्वेश्चन लगा दें देखो इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लगा दें टी की तरह हाँ तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से सोल्व करते करते क्या आ जाएगी ये यहां से क्या आ जाएगी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई करा किसी ने 14 ठीक है एम की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ जाएगी ठीक है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है इफ इफ ए बी सी डी आर इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर आर इन ए पी If A, B, C, D are distinct integers R in AP such that D square is equal to A square plus B square plus C square such that D square is equal to A square plus B square plus square Find the value of A plus B is equal to C plus A plus B plus C plus D. The question is if A, B, C, D are in distinct integer R in AP such that A square D square is equal to A square. B square, C square, find the A plus B plus C plus D. अच्छा अगर मान लिया ये ए बी सी डी क्या में हो ये ए पी में हो ए बी सी क्या हो ए बी सी डी क्या में हो ये ए पी में हो तो क्या आ जाएगा ये फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी इसकी मान लिया ए ही है सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी इसकी ए प्लस एम थर्ड टर्म क्या आ जाएगी ए प्लस क्यू एम थर्ड टर्म क्या आ जाएगी ए प्लस थ्री एम ए ए प्लस एम ए प्लस टू एम ए प्लस थ्री एम ये चार कंजेक्टिव टर्म्स आ जाएंगे क्या आ गए चार कंजेक्टिव टर्म यानी कि आ गई हो
ये रेस्पेक्टिवली इसके टर्म्स हैं, वेयर एम इज द कॉमन डिस्टेंस। एम जब इसका कॉमन डिफरेंस है, जब इसका कॉमन डिफरेंस डी, डी मीन्स लास्ट, ए फर्स्ट एंड नहीं, ए प्लस थ्री एम का स्क्वायर, डी का वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस थ्री एम का स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस थ्री एम का स्क्वायर, ए प्लस थ्री एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एम डी सी, ए प्लस ये गिवन है, गिवन ये है नहीं, ये आगे नहीं, डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब इसको खोल लिया क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्स ए एम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू ए एम प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर ए एम, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे और क्या आ जाएगा, ये इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये देखो चलो सॉल्व इसको, इस ए स्क्वायर से क्या हो गया, एक और दो टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर फिर सिक्स ए एम प्लस टू ए एम प्लस फोर ए एम, टू ए एम प्लस फोर ए एम माइनस के टू ए एम माइनस के आ गया नाइन एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस फोर बाईस माइनस के फोर एम स्क्वायर माइनस क्या आएगा फोर एम स्क्वायर, क्या आएगा नाइन एम स्क्वायर, ये आया फाइव 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 स्क्वायर नाइन माइनस नाइन माइनस के फाइव फोर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू क्या आ गए,
ए स्क्वायर इक्वल टू टू एम का स्क्वायर और ए इक्वल टू प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या गया प्लस माइनस टू एम वैन ए इज इक्वल टू रूट टू एम वैन ए इज इक्वल टू रूट टू एम वैन ए इज इक्वल टू रूट टू एम रूट टू एम की वैल्यू यहां रख दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगी एम की वैल्यू आ जाएगी यहां क्या आ जाएगी एम की वैल्यू आ जाएगी यहां से क्या आ जाएगी इस तरह की आ जाएगी एम की भी वैल्यू यहां से हम पुट करके रख सकते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है यहां तो क्या आ जाएगा ये रूट टू एम प्लस थ्री एम रूट टू एम का स्क्वायर टू एम का स्क्वायर रूट टू ए इक्वल टू क्या आएगा रूट टू एम प्लस एम रूट टू एम प्लस टू एम का स्क्वायर ठीक है फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी यहां से एम की वैल्यू निकाल लेंगे यहां क्या निकाल लूंगा एम की वैल्यू निकाल लूंगा यहां ये देखो डी स्क्वायर बराबर नहीं है थोड़ी गलती कहां गई है ये डी डी बराबर है क्या है ये डी बराबर है क्या है फाइंड डी इसको ये डी लिखो ये क्या है डी क्या है ये डी के इक्वल है ये गलती आ गई ए प्लस थ्री एम अभी कटता भी नहीं है ये क्या आ गया ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर क्या आ गया थ्री ए स्क्वायर फिर क्या आएगा ये टू ए एम फोर ए एम क्या जाएगा सिक्स ए एम टू ए एम प्लस फोर ए एम सिक्स ए एम प्लस ए आ जाएगा ये थ्री एम प्लस एम फोर एम स्क्वायर प्लस फाइव एम स्क्वायर क्या आएगा प्लस के फाइव एम स्क्वायर एक एम स्क्वायर फोर एम स्क्वायर प्लस टू फाइव एम स्क्वायर और इधर आगे माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम अब इसको एक एम की सीध में लिख लेंगे क्या क्या एम स्क्वायर माइनस अब फाइव सिक्स ए एम माइनस थ्री एम एम कॉमन दोनों से कॉमन ले लूंगा क्या आ गया सिक्स ए माइनस थ्री एम कॉमन ले लूंगा बल्कि टू ए माइनस वन टू ए माइनस वन क्या आ जाएगा प्लस फाइव एम स्क्वायर प्लस
फाइव एम स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये धनाचार्य से फिर लगा दूंगा इसमें ए की वैल्यू, इसमें क्या निकाल लूंगा मैं एम की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या की वैल्यू निकाल लूंगा इसमें, इससे धनाचार्य से क्या देगा प्लस माइनस बी 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 स्क्वायर माइनस फोर ए सी, से एम की वैल्यू निकल जाएगी, एम की वैल्यू क्या ए की वैल्यू फॉर द इसके रियल रूट है, फॉर द रिफाइंड द रियल रूट इंटीजर आर ए पी, इसके अगर ये रियल रूट है तो क्या आ जाएगा ये इसकी क्या इसके धन क्या आएगा बी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी की वैल्यू क्या है ये टू ए माइनस वन इंटू थ्री माइनस फोर ए, बी की वैल्यू कितनी है टू ए माइनस वन इंटू थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू कितनी है फाइव, सी की वैल्यू कितनी है फाइव एम स्क्वायर माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो है, इसमें जो है एम की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा इसमें एम की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से सोल्व करते करते बताओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एम की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगी एम की वैल्यू एम के लिए ए की वैल्यू, क्या की वैल्यू क्या जाएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू वी है टू द कितनी आ गई ए की वैल्यू आ गई माइनस वन इंटू जीरो, अब ए की वैल्यू रख के यहां रख के ए की वैल्यू मतलब सेकंड इक्वेशन में यहाँ ए की वैल्यू रख के क्या निकाल लूंगा एम की वैल्यू, क्या निकाल लूंगा फॉर द बाई द इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट बाई बाई इक्वेशन सेकेंड बाई बाई इक्वेशन सेकेंड वी गेट एम फोर ए इक्वल टू माइनस वन एंड टू जीरो, बस जब जो है ए एम निकल जाएगा फिर जाइयो इसकी वैल्यू रख लूंगा यहां से ए प्लस एम एम प्लस टू डी ए बी सी डी के तीन की वैल्यू यहां रख लूंगा, फिर क्या जाएगा इस तरह इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, वो डी के इक्वल आ जाएगी, कर लेंगे भाई। आई बात में आगे बढ़े, इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज द एम बिटवीन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एम अरिथमेटिक मीन है, ए और बी के बीच फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इफ ए एम और बिटवीन ए एम के बीच एन वो नंबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू किस तरीके से जाएगी अगर ए और बी के बीच वो होगा तो उसका अर्थमेटिक मीन ए बी का क्या जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ये और इसका अर्थमेटिक मीन कितना है ए बी का गिवन कितना है ये ये
अब इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा? ए से ए की पावर एन को क्या आएगा? ए की पावर एन ए की पावर एन से ए की पावर एन आएगा, बी की पावर से बी की पावर एन क्या आएगा? ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसको इधर लिया हमका क्या आएगा? बी ए की पावर एन माइनस वन माइनस ए की पावर एन इक्वल टू क्या आएगा? बी की पावर एन माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन। बी की पावर ए की पावर एन माइनस वन दोनों में कॉमन ले लिया, बी माइनस ए इन दोनों में क्या ले लिया? बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, बी माइनस ए क्या आएगा? बी माइनस ए इससे कट जाएगा, बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन ए की या ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन या ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन की पावर वन वन की पावर क्या आएगा? ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन वन की क्या हो? बी की चीज की पावर जीरो हो, इसकी वैल्यू वन होगी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन एन की वैल्यू वन हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन हो जाएगी। देखो ये क्या सवाल था, ये कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन ये था, वैसे ए बी का अर्थमेटिक मीन निकालते दोनों को समाप्त, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये सोल्व करते करते ये आ गया ए बी की पावर एन माइनस वन, किसी भी चीज की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू वन हो, इसे करते ए बी की पावर अपॉन जीरो वो कर दिया कंपेयर कर लिया एन माइनस वन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ द सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट सम ऑफ एन टर्म इज एपी, यानी कि सम ऑफ एन टर्म क्या करें? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का एस एन, सम ऑफ एन टर्म दैट इज एस एन,
एफ एन इज इक्वल टू फॉर्मूला डेट लेना, एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इट मीन्स वी कैन से एन बाई टू टू ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इट इज द लास्ट टर्म इज ऑल्व, इट इज लास्ट टर्म इज एल, तो ए प्लस एल एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन. देन द सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स 24 टर्म्स ऑफ एपी A1, A2, A1, A1, A2, A3 up to AN. If it is known that If it is known that, क्या दिखा रखा है ये, ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए टेन प्लस ए फिफ्टीन प्लस ए ट्वेंटी प्लस ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 225, क्या है 225. क्या है ए वन ए फाइव ए टेन ए फिफ्टीन ए वन ए फाइव ए टेन ए फिफ्टीन ए ट्वेंटी ए ट्वेंटी फोर इक्वल टू ए ट्वेंटी फोर इक्वल टू नहीं. अच्छा भाई ये फाइंड द 24 टर्म का निकालना और इसके ये टर्म्स हैं. अच्छा एक हमने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए पी मा द सम ऑफ द बिगिनिंग एंड द लास्ट, या सम ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एज इक्वल इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. जैसे ही सम ऑफ लास्ट टर्म का जो सम होगा, इस तरह ही जो उसमें कोरस्पॉन्डिंग सम बिगिनिंग एंड लास्ट का, इन दोनों का सम जो है हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. क्या होगा? इक्वल होगा. क्या होगा? सब बिगिनिंग एंड द एंड ऑलवेज सेम, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम टू एंड, बिगिनिंग और एंड से जितने भी टर्म का सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एपी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपी. इट मीन्स वी हैव, इफ मीन्स दैट इज ए वन ए टू ए थ्री इज देर आर 24 टर्म्स दैट लेट ये आर 24 टर्म्स है दैट. इट मीन्स द सम ऑफ ए वन प्लस ए 24 दैट इज द द फर्स्ट टर्म एंड ए वन प्लस ए 24. इट मीन ए वन प्लस ए 24 ए वन ए 24 और क्या आएगा ए फाइव इक्वल टू ए 20. इट मीन्स ए टेन इक्वल टू ए 15
गिविन दैट कि ए वन प्लस ए फाइव इन सब का सम कितना है, ए ट्वेंटी फोर, बट गिविन दैट, बट गिवन क्या गिविन है, ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए टेन प्लस ए फिफ्टीन ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 225, टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, इसका सम कितना है 225 है। अच्छा देखो, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर, इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हो, ए वन ए ट्वेंटी फोर, इट मीन्स वी हैव इसकी और इसकी वैल्यू तो जो कि तुम ए फाइव और ए टेन की, ए फाइव और ए टेन की वैल्यू, ए फाइव और ए कितनी की 25 में, ए 20 वैल्यू इसकी और इसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए वन प्लस ए 24। सिमिलरली ए टेन एंड ए 15, यानी ए वन प्लस ए ए एक दो तीन, तीन ए वन प्लस ए ट्वेंटी फाइव, ए ट्वेंटी फाइव, ए वन प्लस ए ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री, ए वन की वैल्यू ये आ गई, ए वन की वैल्यू कितनी है, अच्छा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक बार, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाय टू ए वन प्लस ए एन, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाय टू ए वन प्लस के ए एन, इट मीन एस, ये याद पढ़ाई था, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए वन प्लस के एन बाय टू, वी वी सेट द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 एंगल, इट मीन एस 24 इक्वल टू एन बाय टू, यानी 24 बाय टू ए वन, ए वन प्लस के ए 24 क्या आएगा, ए वन प्लस के ए 24, इट मीन्स ए वन ए ट्वेंटी फोर वी हैव 75 इज इक्वल टू 12 इंटू 75 एट मीन एस 24 इक्वल टू 900, एस 24 इक्वल टू 900। देखो भाई फर्स्ट 24 टेन टर्म्स का फॉर्म निकालना, फर्स्ट 24 टर्म का हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ये आ गया 24, ए वन प्लस ए 24 की वैल्यू निकाल जाए, ए 20, लेकिन इसकी गिवन दे रखी इसकी वैल्यू ए वन ए फाइव ए टेन, लेकिन इसमें क्या देखते हैं, द इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ बिगिनिंग एंड द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल, इट मीन्स दैट इज डिफरेंस 20 ए वन 24 इज 5 प्लस 20 25 की डिस्टेंस है, इससे 10 प्लस 25 है, अब इसको ये गिविन है इसकी वैल्यू ए वन प्लस ए 24 की वैल्यू ये रख दूंगा, फिर इसकी वैल्यू ये ए 24 रख दी, ये आ गई ए वन प्लस ए 24 की वैल्यू कितनी आ गई 75, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, दैट इज वी गेट द आंसर। The sum of arithmetic mean inserted between two numbers. Okay, sum of. आगे बात नहीं.
सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन सम ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर लेट टू नंबर्स आर ए एंड सी. टू नंबर्स कितने हैं? लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी. इनके बीच जो एन जो करने हैं क्या करने हैं? एन एन इंसर्ट करने हैं इनके बीच. अन अरिथमेटिक मीन लेट ए वन ए टू ए थ्री अब टू ए एन. ये कितने करने हैं? एन वो करने हैं इनके इंसर्टेड. क्या देखे ए ए वन ए टू ए थ्री ये अरिथमेटिक मीन है. यानी ए और बी जो दो नंबर हैं इनके बीच अनअरिथमेटिक मीन है. इनके बीच ए और बी के बीच एन नंबर जो है मैंने इंसर्ट कर दिया. इंसर्ट बिटवीन दैम ए एंड बी. ए एंड बी कर दिए तो इनका सम क्या आ जाएगा सबका? ए वन क्या आएगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अब टू ए एन. इन सबका सम क्या आ जाएगा? इन सबका सम आ जाएगा एन बाई टू ए एन. ए प्लस डी यानी ए प्लस एन बाई टू एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए एन वन प्लस थानिया ए वन प्लस ए एन. ए वन की जगह क्या है? ए वन प्लस ए एन. ए वन एन बाई टू क्या आएगा? ए वन प्लस ए एन. ये एन टाइम ए वन प्लस ए एन. अच्छा ए वन की वैल्यू अगर मान ले ए फर्स्ट टर्म से है. ए क्या है? फर्स्ट टर्म से है. एंड वेयर कॉमन डिफरेंस इज डी. ए वन इज इक्वल टू क्या आ गया? ए प्लस डी. ए वन इज इक्वल टू ए प्लस डी. मान लिया फर्स्ट टर्म कितना है इसका? ए है. ये ए है और ए वन कॉमन डिफरेंस इज डी है. ए वन इज इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस डी. वेयर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्या आएगा? ए प्लस एंड ए एन. ए एन में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन की जगह क्या है? ए की जगह ए है. एन की जगह क्या है? एन प्लस वन. यहां से यहां तक के एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगे. एन से ये रहे हैं एक फर्स्ट टर्म के लिए आएगा एन प्लस वन. क्या आएगा? ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी. इंटू डी यही कर दो. डायरेक्ट इसको कर लो यार. इसको डायरेक्ट याद कर लो. क्या आएगा? एन बाई टू ए प्लस बी. क्या आएगा? क्या याद कर लो. तो इनका समझा आएगा ए एन बाई टू क्या आएगा? एन बाई टू एन ए प्लस बी एम. एन इंटू एन बाई टू ए प्लस बी एम. जो इनके बीच एन अरिथमेटिक मीन होता है क्या होता है फॉर्मूला? एन वैसे तो यही था. ए वन क्या इसमें क्या लेते हैं? ए क्या रहता है? ए प्लस डी. इसमें बी माइनस डी. डी से डी चले जाएगा. ए प्लस बी. एन बाई टू क्या आएगा? ए प्लस बी. ए प्लस बी. ए प्लस बी ये आएगा एन बाई टू ए प्लस बी. इसको रख लेना. और नहीं तो इससे नहीं तो इससे क्या आएगा? इससे एन बाई टू इससे क्या आएगा? एन बाई टू ए वन प्लस ए एन. ए एन ए वन की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी. और ए एन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बी में से डी निकाल. बी में से
डी का यही तो होगा जो डिफरेंस डी होगा, बी माइनस डी, बी माइनस डी और एन बाई टू जीरो टू एन बाई डी, डी से डी जाएगा क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू एन बाई टू, यह आंसर आ जाएगा। देखो इसके अंदर एन टर्म्स या एस्टिमेटिक इंसर्ट कर दिए, ये इसकी जगह फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, एन टर्म होगी, पूरी सीरीज में एन प्लस टू टर्म्स हो जाएंगे, ये ए प्लस डी टर्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको बी को डी में निकाल दो, ए एन की टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी, यही रखा है मैंने ए एन की टर्म्स की वैल्यू, ए वन की वैल्यू है ए प्लस डी, यानी ए तो यहाँ फर्स्ट टर्म डी, ए प्लस डी की वैल्यू होगी, तो इसका एन क्या होता है एन बाई टू ए प्लस डी, इसको याद कर लेंगे। ठीक है आगे प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम, ठीक है बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं, ठीक है।